हाँ, मैं शुभम और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल शुभ कदम में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अभी डीआर रेड्डी का एनालिसिस करने वाला हूँ, जो कि अभी एक अच्छा सा ब्रेकआउट देने वाला है। ब्रेकआउट के बाद हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में। तो हमें क्या करना चाहिए, किधर स्टॉप लॉस रखना, ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आगे हम चलेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा है। अभी 4 आवर का टाइम फ्रेम कौन कौन यूज करता है, स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स। मतलब हम अभी 4 आवर्स का टाइम फ्रेम देख रहे हैं और उसमें ये एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। तो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा वो भी 4 आवर के टाइम फ्रेम में, मतलब कुछ तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो कैसे ब्रेकआउट होगा, कहाँ पर हमें एंटर करना, ये सब मैं आपको बता दूंगा। बस आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो इधर आप अभी देख रहे कि प्राइस यहाँ पर है। तो असेंडिंग ट्रायंगल कब फॉर्म होता है, जब कोई स्टॉक एक सुपर अप ट्रेंड में मूव कर रहा हो तब असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो इसी तरह से आप इधर देख सकते हैं, डीआर रेड्डी जो है वो अच्छी तरह से अप ट्रेंड में है और अभी यहाँ पर आया है। और आपको पता है कि ये जो रेड ब्लू रेड लाइन्स है वो हमारी वीकली रेजिस्टेंस लाइन है, वीकली सपोर्ट लाइन है। तो हम हमारा टारगेट यहाँ पर ऊपर जो 4311 की प्राइस है, यहाँ पर भी स्विंग ट्रेडर रख सकते हैं। तो ब्रेकआउट के चांसेस कैसे होंगे, हम ये अभी आगे के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो हम अभी सीधा जंप करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमारे इधर क्या है, तो हमने जैसे कि देखा 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारी प्राइस जो है वो इस रेजिस्टेंस के पास में है और इसने पहले भी इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की पर वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, वो एक्चुअल में ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो अभी ये जो है वो यहाँ पर बुलिश फ्लैग बना रहा है। तो बुलिश फ्लैग एक्चुअली में होता क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बुलिश फ्लैग को एक ऐसे करके डंडा होता है और वो अपने हाईज है वो लोअर कर बनाते चले जाता है और हमारा उसके जो लोज है वो भी लोज बनाते जाता है। मतलब लोअर लोज और लोअर हाईज बनाते हुए वो कंसोलिडेट करते जाता है। और अभी जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर है, मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। तो अभी जो प्राइस है वो यहाँ पर है। तो हम जब कल मार्केट ओपन करेंगे तो हमें क्या देखना है, हमें वेट करना है ये जो बुलिश फ्लैग पैटर्न है उसके ब्रेकआउट का। मतलब जब इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो उसके साथ ही ये जो ब्लैक वाली रेजिस्टेंस लाइन है हमारे असेंडिंग ट्रायंगल की, उसका भी ब्रेकआउट होगा और उसके ब्रेकआउट होने के बाद हमें यहाँ पर एंटर होना है। जैसे कि समझ लो यहाँ पर हमने वेट किया इधर तक, तो अगर यहाँ पर कोई ब्रेकआउट की बिग कैंडल हुई, कोई बड़ी कैंडल हुई, तो वहीं से हमें लॉन्ग नहीं चले जाना है। हमें राह देखनी है कि यह स्टॉक यहाँ पर रीटेस्ट कर दे। आफ्टर द रीटेस्ट हमें यहाँ पर कोई डोजी पिन बार या बुलिश इंगल्फिंग बार कोई ना कोई तो कैंडलस्टिक मिलेगी जो हमारा कंफर्मेशन कर देगी कि हमें यहाँ से लॉन्ग चला जाना चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ इस स्टॉक में एंट्री लेनी है। पर याद रखिए, अगर ब्रेकआउट कैंडल ज्यादा होगी, वोलाटिलिटी अगर ज्यादा होगी, तो ब्रेकआउट कैंडल भी है वो बड़ी हो सकती है, या फिर अगर कोई बिग गैप अप ओपनिंग हुई तो फिर हम यहाँ पर से रीटेस्ट का इंतजार करेंगे। अगर रीटेस्ट नहीं हुआ, इधर से स्टॉक ऊपर चले जाने जाने लगा, तो उसे जाने दीजिए, आप इसमें ट्रेड मत करिए। आपको अगर रीटेस्ट की रीटेस्ट मिलता है और एक अच्छी कैंडल मिलती है तो ही आप एंटर कर सकते हैं यहाँ से। मैं तो ऐसा ही करूंगा। और अगर छोटा सा गैप अप हुआ, यहाँ पर कोई हमें अच्छी कैंडल मिल गई, तो यहाँ पर से हम लॉन्ग जा सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो इधर से हम लॉन्ग चले जाएंगे। हमारा टारगेट जो है हम यहाँ पर जस्ट नीचे रख देंगे और हम 1:3, 1:4 यहाँ से जा सकते हैं। 1:3 भी हमारा यहाँ से एक अच्छे से हिट हो सकता है, क्योंकि आप मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो है वो 4 आवर टाइम फ्रेम का असेंडिंग ट्रायंगल है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम का असेंडिंग ट्रायंगल जब ब्रेकआउट होगा तो इसमें स्विंग ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स से वो भी एंटर हो जाएंगे और इस फ्लैग के ब्रेकआउट के बाद इंट्राडे ट्रेडर्स भी एंटर हो जाएंगे। इस वजह से 2-3 टाइप के ट्रेडर्स अगर इधर बाय की पोजीशन ले लेंगे तो कोई कोई भी बता सकता है कि इधर से स्टॉक ऊपर ही जाना है। पर अगर कुछ न्यूज वगैरह आ गई और
यहाँ पर कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना चालू कर दी, तो हमें यहाँ पर से लॉन्ग नहीं जाना है, हमें यहाँ पर से शॉर्ट कोई भी नहीं देखनी है, हमें इसमें ट्रेड ही नहीं लेना है। हमारा अभी व्यू क्या है, अगर यह इसको जो बुलिश पैग है उसका ब्रेकआउट दे दे, प्लस इसकी जो असेंडिंग ट्रायंगल है उसका भी ब्रेकआउट दे दे, तो ही हम यहाँ से लॉन्ग चले जाएंगे, वरना हम इस स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे स्टॉक में मौका ढूंढेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इसके बारे में आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसी आप एनालिसिस अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।